सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी पढ़ाते हैं। और हिंदी की ये आपकी पुस्तक है और पुस्तक का नाम है द ओपन बुक ऑफ हिंदी। और आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ पाँच है हमारा रेलगाड़ी। तो सबसे पहले रेलगाड़ी मतलब आप समझ रहे हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रेन बोलते हैं, या वह साधन है जो दूर रहने वाले लोगों को रेलगाड़ी का महत्व है, दूर रहने वाले लोगों के लिए रेलगाड़ी का बहुत महत्व है। और इस कविता में इसकी आवाज़, चाल आदि के विषय में मनोरंजन ढंग से बताया गया है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप कविता को पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे तो कुछ ज़रूर समझ में आएगी। और कविता प्रत्येक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि शब्दार्थ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले तरीका हम बताते हैं कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हमारा सीधत्व है, वहाँ देखें, यहाँ पे एक छोटा सा मोनोग्राम बनाएंगे, रेलगाड़ी का यहाँ चित्र लगा देंगे आप, फिर पार्ट का नंबर, नाम, शब्दार्थ। यहाँ देखिए शब्दार्थ में पहला है एक नंबर में हमारा दृश्य। दृश्य का मतलब होता है नज़ारा, भारती मतलब अच्छी लगती, प्रसन्न मतलब खुश, बालक लड़का, ईश्वर भगवान, स्वयं खुद, मातृ-माता। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये। इसी प्रकार से है हमारा, इससे संबंधित भावार्थ भी होगा, ठीक है, जो आपको PDF के माध्यम से मिलेगी। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेल गाड़ी क्या खाती है। तो यहाँ दिया हुआ है कि यह कोयला खाती है, रेलगाड़ी कोयला खाती है। दूसरा क्वेश्चन है रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया, तो स्टीफेंसन ने, ठीक है, रेलगाड़ी का आविष्कार किया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर है आपके किताब में, स्टीफेंसन ने क्या चलाई, तो रेलगाड़ी चलाई। रेल क्या खाती है और क्या पीती है, तो रेल कोयला खाती है, पानी पीती है। ये आपकी किताब के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो आप क्वेश्चन आंसर चैप्टर में बता रहा है कि रेलगाड़ी की आवाज़ जो है फक फक भक भक, ठीक है, फक फक भक भक करकर गाड़ी जाती और फिर फक फक भक भक उड़ती जाती। यह काला कोयला है खाती, थोड़ा पानी पीती जाती। स्टीफेंसन ने रेल चलाई, दृश्य देखते सभी भाई, बच्चे के मन को अति भाती, जब यह धर धर करह जाती। गाड़ी फक फक उड़ती जाती, मुसाफिरों को लेकर जाती। तो इसका कविता के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि गाड़ी की आवाज़ जो है फक फक भक भक है, इस तरह से यह जाती है, उड़ती जाती है, यह कोयला और पानी खाती है। फिर से स्टीफेंसन ने इसको चलाई है और इसका दृश्य सब कोई देखते हैं, यह बच्चों के मन को बहुत भाती है और धर धर करके जाती है, यह फक फक कर उड़ती जाती है और मुसाफिरों को लेकर इसमें जाती है। यही बताया गया है इस कविता के माध्यम से। अब इसका PDF आपको इस विद्यालय कार्यालय से मिलेगी, आप आके ले लेंगे। क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर जो है हम आपको ये पाठ समझाएँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अभ्यास कार्य जो हमारा है पाठ पाँच का, वो हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इसी पाठ पाँच के अभ्यास कार्य के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।